ऑटोमोबाइल उद्योग में सक्रिय कदम उठाने के प्रयास के साथ 75 साल लंबी प्रगतिशील यात्रा को जारी रखते हुए एमएस ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड को कामटी रोड पर एक आरवीएसएफ ऑटोमोटिव रिन्यू लॉन्च करने पर गर्व है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। आपको बता दें कि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित लाइसेंस से लैस है। ऑटोमोबाइल उद्योग में विकास को ध्यान में रखते हुए और वाहन प्रदूषण को देश के लिए एक गंभीर खतरा मानते हुए सभी आधुनिक साधनों उपकरणों प्रशिक्षित और समर्पित पेशेवरों की एक टीम के साथ अत्याधुनिक आरवीएसएफ ऑटोमोटिव रेनू का उद्घाटन विवेक भीनमवार आईएएस परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र द्वारा किया गया। यह पहल सभी एंड ऑफ लाइफ वाहनों का पंजीकरण करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्क्रैप करना सुनिश्चित करेगी। ऑटो क्षेत्र के अग्रणी भरत सांघवी अध्यक्ष एएमपीएल ने संगठन में बदलाव करके और नागपुर में एएमपीएल का पहला आरवीएसए प्रोजेक्ट शुरू करके एक और उपलब्धि हासिल की है। उद्घाटन समारोह के दौरान विवेक भीमनवार ने ऑटोमोटिव उद्योग में टिकाऊ प्रथाओं के महत्व और देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आरवीएसएफ की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने ऐसी पहलों पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकाला, स्वच्छ कल के लिए एक बेंचमार्क बने। एएमपीएल के कार्यकारी निदेशक सचिन सांघवी एक तकनीकी रूप से योग्य व्यावसायिक पेशेवर समर्पित और अनुभवी पेशेवरों की सेक टीम के साथ इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ही जी स्क्रैपिंग पॉलिसी आहे केंद्र सरकारची संपूर्ण देशाकरता आहे आणि सगळ्या देशांमध्ये आता स्क्रॅपिंग स्टेशनला सुरुवात झालेली आहे। आता प्रत्येक राज्यातले मला कोणत्या राज्यात किती याची मला सध्या माहिती नाही आहे। महाराष्ट्रात आम्ही 12 लोकांना आता आमची परवानगी दिलेली आहे आणि अजून 7-8 लोकांच्या पॅपेशन आमच्याकडे प्रोसेसमध्ये आहे आणि जसं जसं या पॉलिसीचं आता हे सुरुवात होईल अनेक लोक याच्यामध्ये आता येतात आहे आणि मला पूर्ण आशा आहे की या ठिकाणी अजून सेंटर्स आपल्याकडे देशामध्ये उघडतील, आपल्या राज्यात उघडतील। सचिन सांघवी प्रदूषण मुक्त भविष्य की पुरजोर वकालत करते हैं और एक जिम्मेदार व्यवसायिक घराने के लीडर के रूप में उन्होंने सरकार की इस पर्यावरण सामाजिक और शासन यानी ESG पहल को उत्सुकता से अपनाया है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।